ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि बहुत सारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी को डरते हैं और इस टॉपिक को वो स्किप कर देते हैं। बहुत सारे नीट में क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है, एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसके जो एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, उसको लर्न नहीं करते। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में जो एक टेक्निक्स होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, जिससे क्या होता है कि आपका फ्लो बढ़िया बढ़ेगा उसमें और आप उसके क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसका टर्म देखेंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर देखो बेटा, दो वर्ड है बायो, यू आर वेल फैमिलियर अबाउट दिस, एंड यहाँ पर है बेटा टेक्नोलॉजी। यहाँ दो वर्ड है बेटा, बायो मतलब आपको पता है, यू आर बायोलॉजी के स्टूडेंट है आप, तो आपको बायो मतलब पता है। बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है, लाइफ में आएगा सारे लाइव ऑर्गेनिजम्स, ऑल दी लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज करके जो टेक्निक यूज कर किया जाता है टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो बेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज करके मतलब टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक को यूज करके, ओके, जो प्रोसेस बनाते हैं आरडीएनए टेक्निक बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी बायोटेक्नोलॉजी। मतलब दिस इज द वन, ये एक प्रकार का अप्लाइड बायोलॉजी है, अप्लीकेशन है इसके। अभी देखो होता क्या है कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स यूजफुल हो रहे हैं, जैसे कि IVF इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी टेक्निक है, टेस्ट टू बेबी। हम अलग अलग पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारे बायोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये टेक्निक्स डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होते जा रही है, डे बाय डे अपग्रेड होते जा रहा है इसमें। तो क्यों नहीं इस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बायोटेक्निक की डेफिनेशन आज पढ़ेंगे हम, डेफिनेशन देखो, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से आपको बिल्कुल बहुत ही आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार बायोटेक्निक का यूज़ होता है, किस प्रकार बायोटेक्निक हम प्रिपेयर करेंगे इसको, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द वेरियस टेक्निक बाय यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट विच यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखो इस डेफिनेशन का मतलब समझो, यही पे पूरा टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रकार का ब्रांच है बायोलॉजी का, जैसे बायोलॉजी के ब्रांचेस, जैसे कि अप्लाइड बायोलॉजी होगा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी होगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स होगा, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें से एक छोटी सी ब्रांच है बायोलॉजी का, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके MSTCET में, आपके नीट में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, विच डील्स विद द वेरियस टेक्निक्स, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज किया जाता है, ठीक है, और वो टेक्निक्स को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस प्रकार की टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जीन से रिगार्डिंग, डीएनए से रिगार्डिंग जो इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है, टू डिजाइन प्लान होता है, टू असाइनमेंट प्लान होता है,
बाय यूजिंग द जीन डीएनए यूज करके ऐसे वेरियस टेक्निक हम यूज करते हैं और साथ में क्या लेते हैं बेटा, लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, लाइक ई कोलाय बैक्टीरिया हो गए, उसका प्लाज्मिड लेंगे, वेक्टर्स यूज करेंगे, एंजाइम्स, वेरियस एंजाइम को यूज करते हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं और ये सब यूज करने के बाद कुछ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक हम आगे पढ़ने वाले वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कौन से, ओके, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बायो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करके, डीएनए को यूज़ करके हम ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी बेटा, ठीक है। अभी ये देखो, डे बाय डे जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे अपग्रेडेशन होते जा रहा है टेक्निक्स में, अलग अलग टेक्निक्स आ रही है, साइंटिस्ट लोग अलग अलग प्रकार के वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे बाय यूजिंग द बायोटेक्निक्स और इस बायोटेक्निक का यूज करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट को बना सकते। तो देखो सबसे यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रकार के टेक्निक्स है जो जीन को यूज करके, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट टू सेट अप प्लान, उनका एक प्लान होता है उस टाइप पे वो कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। सेम यहाँ पर ही एक उनका प्लान होगा, एक प्रोडक्ट बनाने का प्लान होगा, वो जीन को यूज करके डिजाइन करेगा एक प्रोडक्ट, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन उसका चेंज होगा, फिनोटिपिक उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा बाय यूजिंग द बायोटेक्निक प्रोसेस। तो ये मैं आपको डेफिनेशन, सिंपल वर्ड में आपको डेफिनेशन समझा दिया है। तो लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज करके इस प्रकार के टेक्निक्स हम बना सकते। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो वर्ड आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, हु इज अ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, देखो या मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, Who is father of biotechnology, okay, who is the father of biotechnology? तो इसका answer आपको लिखना है बेटा, कौन है, Louis Pasteur, okay, Louis Pasteur नाम के जो साइंटिस्ट है उनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज द एरिया ऑफ फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर्ड किए थे बाय यूजिंग द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे फर्मेंटेशन होता है, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से पहले से आ रही हैं, पहले से ही आ रही, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो इसलिए लुईस पॉस्चर को बायोटेक्नोलॉजी है ना, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी कौन से एरिया में करते हैं ये, द एरिया वॉज डिस्कवर्ड दैट इज फर्मेंटेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फर्मेंटेशन जैसे टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड्स, इट्स ओल्डेस्ट मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूध की दही बनना, ठीक है, दूध की दही बनना, बियर तैयार करना, वाइन तैयार करना, ठीक है, तो ओल्डेस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसमें आते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ गए, ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कौन से बता, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड्स, दूध की दही बनना है ना, दूध की दही एक प्रकार की बायोटेक्निक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम पता है हमको जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, यू आर वेल फैमिलियर, यानी दीज आर दी अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, तो ये भी क्या है, दीज आर दी बायोटेक्निक प्रोसेस से ही बनती है, बिकॉज इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं एंजाइम्स, जैसे यू नो दैट ईस्ट, ओके, यूज द ईस्ट। ईस्ट क्या है, व्हाट इज ईस्ट, ईस्ट इज वन ऑफ द फंगी है, ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस से,
ओके इट्स हैव इम्पोर्टेंट रोल फॉर द फर्मेंटेशन एंड मेक वाइन बियर एंड विस्की, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना सकते, एक अल्कोहलिक बेवरेज बोलेंगे। तो ऐसे पहले से ही जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे घर में भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनते हैं, ब्रेड्स, ओके जलेबी बनना, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी बायोटेक्निक प्रोसेस है, ठीक है। तो लेकिन हम अभी मॉडर्न युग में हैं, मॉडर्न इसमें किस प्रकार बायोटेक्निक प्रोसेस होती है, कौन से बायोटेक्निक प्रोसेस, मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को। जैसे आपको पता है कि जीन मैनिपुलेशन, ओके अप्लीकेशन, इसके अगर हम अप्लीकेशन की बात करेंगे ना बेटा, अप्लीकेशन, ठीक है, अप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के अगर अप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो यू नो दैट जीन मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन इज नथिंग बट दैट आर डी एन ए टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्निक, यू नो आर डी एन ए टेक्निक्स। तो आज हम आर डी एन टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका आपको बहुत ही सिंपल वे से मैं बताऊंगा कि आर डी एन ए टेक्निक कैसे होती है, ओके उसके बाद बेटा एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बोलेंगे कि वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक यू नो वेरी वेल जीएम प्लांट मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट, ओके जीन को अल्टर्ड करके प्लांट की वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं हम यू आर वेल फेमिलियर अबाउट दैट। अभी देखो कुछ ऐसे एडवर्टाइज आती हैं, जैसे ऑयल की अलग अलग कंपनी की ऑयल आते हैं, राइस आते हैं, तो देखिए राइस में विटामिन ए रहेगा, कुछ ऐसे एडिबल ऑयल में हमको मिलता है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एडेड है, तो ऐसी एडवर्टाइज आती है। तो क्या है बेटा, दिस इज एक्चुअली द बायोटेक्निक प्रोसेस है, उसमें विटामिन ऐड किया हुआ है, अलग अलग प्रकार के विटामिन ऐड किया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट बायोटेक्निक प्रोसेस यूज करके। यू आर वेल फेमिलियर अबाउट दैट IVF टेक्निक, IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी एक प्रकार की बायोटेक्निक प्रोसेस ही है। यू आर वेल फेमिलियर अबाउट दिस, है ना, IVF टेक्निक। और बेटा ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारी मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, बहुत सारे मेडिसिन बना सकते हैं बाय यूजिंग द बायोटेक्निक प्रोसेस से, ठीक है। एंजाइम प्रोडक्शन, ठीक है बेटा, ये भी एंजाइम प्रोडक्शन, ये भी एक बायोटेक्निक प्रोसेस है। वेराइटी ऑफ एंजाइम हम बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम हार्मोन्स बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हार्मोन्स, वेराइटी ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, यू आर वेल फेमिलियर अबाउट दैट इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला एक प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो शुगर को रिड्यूस करने का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स है इंसुलिन, तो इंसुलिन को प्रिपेयर कर मतलब बना सकते हैं हम इंसुलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी बायोटेक्निक मेथड। तो इन दिस वे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लुईस पाश्चर से, तो इस बायोटेक्निक प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है, जीन मैनिपुलेशन कैसा होता है, आरडीएनए टेक्निक कैसे होती है, वो इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आरडीएनए टेक्निक, एग्जांपल हम ले रहे हैं आरडीएनए टेक्निक। आरडीएनए टेक्निक का मतलब बताइए, आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी डीएनए को क्या करते हैं, रिकम्बाइन करना। दिस इज द एडवांस टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। अभी ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डिस्कवर किया था बाय ईएफबी, यू नो दैट ईएफबी, ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये बोलते हैं कि इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ओके, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स एंड देयर ऑफ, ओके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, ओके, बाय टू द ह्यूमन वेलफेयर। दिस इज द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सब मिला के, नेचुरल साइंस में सब आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मिला के यूज करके, एंजाइम को यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म के सेल को यूज करते हैं, इसको यूज करके ह्यूमन बीइंग को यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करना, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करना, दैट इज द ईएफबी। दिस इज द एडवांस टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम उसका एडवांस टाइप ऑफ हम देख रहे हैं आरडीएन टेक्निक, किस प्रकार आरडीएन टेक्निक यूज होती है। तो यू नो इंसुलिन प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन को प्रिपेयर करना है। तो इस आरडीएन टेक्निक के लिए जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले प्रोसेस पता होना चाहिए बेटा, कैसे प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमारे पास चाहिए एक डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए, डीएनए मॉलिक्यूल जैसे कि डोनर चाहिए, डोनर देने वाला, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल चाहिए ना, डीएनए मॉलिक्यूल बी आइसोलेटेड। सबसे पहले हमारे पास डीएनए चाहिए, डोनर से हम डीएनए को निकालेंगे। फिर डीएनए को निकालने के बाद क्या करेंगे उसको बेटा, उसको हम कट करेंगे, ओके, कट दी डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेंगे। बाय कैसे कट करते बेटा, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जिसके वजह से डीएनए मॉलिक्यूल ये कट हो जाता है। यू नो अबाउट दैट रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, आरई उसको बोलते हैं। आरई एक एंजाइम होता है बेटा, आरई एंजाइम, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। और जैसे हमको डीएनए मिला है, डीएनए कैसा होता है, डिजायर्ड होता है, ठीक है। हम डीएनए को फिर कट किए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फिर ऐसा हमको एक पॉइंट मिलेगा, ऐसा डीएनए का एक टुकड़ा मिलेगा जो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है हमको, इंटरेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब जिसको हम क्या करना चाहते हैं, रिकम्बाइंड करना चाहते हैं। देखो रिकम्बाइंड का मतलब क्या होता है, रिकम्बाइंड डीएनए दूसरे डीएनए के साथ कंबाइन करना, रिकम्बाइन मतलब कंबाइन करना, ठीक है। तो इंटरेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल को हम ऑप्टेन करेंगे बाय यूजिंग द मॉलिक्यूलर सीजर। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम रिकम्बाइन करेंगे, किसके साथ रिकम्बाइन करेंगे, ओके, यूज द प्लाज्मिड करने के लिए हम प्लाज्मिड को यूज करेंगे। और उसके बाद इंसर्ट इन होस्ट, ओके, एक होस्ट लेंगे और उस होस्ट में हम
हम इस प्लाज्मिड के साथ जो भी मॉलिक्यूल्स या डीएनए मॉलिक्यूल्स हमने ज्वाइन किया है, रिकम्बाइन किया है, उसको होस्ट में क्या करेंगे बेटा, इंसर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, दैट इज नेम इज अ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, याद रखना एग्जाम में क्या पूछेगा, जैसे हम प्लाज्मिड को यूज़ करके फिर जो हम हमारे पास जो डीएनए का जो टुकड़ा मिला है उसको हम ज्वाइन करते हैं, उसको काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा काइमेरिक डीएनए। आगे आगे मैं बताऊँगा बाय डायग्रामेटिक व्यू से काइमेरिक डीएनए किसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार काइमेरिक डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करेंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। ओके, बेसिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो किस प्रकार करते हैं? देखो अब ये स्टेप वाइज जाएंगे, ये स्टेप्स है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेप्स है। तो देखो अभी आरडीएनए टेक्निक करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए बेटा, वी हैव डीएनए। ओके, डिजायर चाहिए, डिजायर डीएनए। डिजायर मतलब सपोज आई वांट टू प्रिपेयर द इंसुलिन, मुझे इंसुलिन बनाना है। तो इंसुलिन बनाने के लिए मुझे इंसुलिन प्रिपेयर करने वाला, इंसुलिन सिंथेसाइज करने वाला जीन चाहिए। ठीक है ना, जैसे जैसे मानते कि ये रैट है, ठीक है, जैसे ये रैट है, इस रैट में हम सबसे अभी देखो हमको इंसुलिन प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये रैट है, इस रैट के पैनक्रियाज देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर कोई कहीं पैनक्रियाज होगा। ठीक है, उस पैनक्रियाज को हम आइसोलेट करेंगे। ठीक है, निकल गया पैनक्रियाज आइसोलेटेड, पैनक्रियाज का आइसोलेट किया है हमने, फिर पैनक्रियाज जैसे हमने निकाला यहाँ पर। ठीक है, इधर देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पैनक्रियाज हमने आइसोलेट किया। पैनक्रियाज में जो कौन सा सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है, और वो है बीटा सेल। हम बीटा सेल देखा वहाँ पर, बीटा सेल विच इज हेल्प टू प्रिपरेशन ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, ये जो बीटा सेल क्या करता है बेटा, इंसुलिन तैयार करता है, इंसुलिन। तो इस बीटा सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे, या बीटा सेल, ये बीटा सेल है, दिस इज द बीटा सेल। इस बीटा सेल में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला मटेरियल, दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी डीएनए स्ट्रक्चर्स हमको मिलता है उसको कट करके या फिर वो एक कंप्लीट डीएनए को आइसोलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज द डीएनए विच हैव द इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द इंसुलिन, मतलब वो हो गया डिजायर्ड जीन। वही होता है डिजायर जीन, मतलब ऐसा जीन जो इंसुलिन प्रिपेयर, मतलब जो मॉलिक्यूल को हमको प्रिपेयर करने हैं उसी को ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी डोनर। ये डोनर हो गया। चलो अभी हमको इंसुलिन प्रिपेयर करना है, इंसुलिन प्रिपेयर करना है तो देखो जैसे कि ये डोनर सेल, यहाँ मैं बना रहा हूँ मैं डोनर सेल, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ये है डोनर सेल। ठीक है, डोनर सेल मतलब ऐसा सेल जो डीएनए देगा, डोनर सेल। उसके बाद हमारे पास होस्ट सेल चाहिए, बैक्टीरियल सेल हम बोलेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन सेल हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी का एक सेल लेंगे, जैसे पैनक्रियास का, बीटा सेल का, जो न्यूक्लियोप्लाज्म्स। ओके, तो यहाँ पर हमको इस पर का जेनेटिक मटेरियल्स है, ये वाला, दिस इज द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, अभी ये यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए हमको यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप बनाना पड़ेगा बेटा, इसे न्यूक्लियर एनवलप यूकैरियोटिक सेल है, हमने यूकैरियोटिक सेल लिया। नाउ यहाँ पर एक लिया है हमने बैक्टीरियल सेल है, ये वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड इन द
ये फ्रीली सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का फ्रीली सस्पेंडेड होता है। अभी क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिसका जिस सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल कैसा होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लिक मटेरियल है, फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। उसके साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लाज्मिड मिलेगा हमको। ओके, बैक्टीरिया में हमको मिलता है प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मीन्स व्हाट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए विच हैव एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट। वेरी सिंपल। ओके, व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए विच हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट इट्सेल्फ। यानी क्रोमोसोम के बाद भी एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए हमको मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी डीएनए रहेंगे लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, और इसमें भी एबिलिटी है रिप्लिकेट होने की। रिप्लिकेट होना मतलब दे हैव कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, यानी बहुत ज़्यादा ये उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इसमें एबिलिटी है प्लाज्मिड में। चलो अभी हम यहाँ से जेनेटिक मटेरियल कैसे आइसोलेट करेंगे, तो बाय यूजिंग द एंजाइम लाइसोजाइम। ओके, यहाँ पर भी सेम हियर लाइसोजाइम, हम लाइसोजाइम ये एंजाइम यहाँ पर डालेंगे, इस सेल में भी एंजाइम डालेंगे, तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल निकल जाएगा। निकल गया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर सेम जेनेटिक मटेरियल लाइसोजाइम डालने से ये जेनेटिक मटेरियल निकल गया है। अभी हमको मिला है ये डीएनए, ठीक है, दिस इज़ द डीएनए, ठीक है, और ये हमको यहाँ से हमको प्लाज्मिड निकालना है बेटा, तो ये हम यहाँ प्लाज्मिड निकाल, दिस द प्लाज्मिड। नाउ व्हाट हैपन्स, अभी इस डीएनए को हमको क्या करना है, कट करना है एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द स्टेप, जैसे हमने स्टेप देखा है। ओके, तो इस डीएनए, ये डीएनए को हमको स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करना है, तो क्या क्या कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, आरई, ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का दूसरा नाम है बेटा मॉलिक्यूलर सीजर या फिर स्काल्प। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब मॉलिक्यूल को कट करने वाला एंजाइम, यानी डीएनए के ऊपर जैसे ये एंजाइम डाल देंगे तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन कैसे, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे। देखो यहाँ पर डीएनए के टुकड़े हमको मिले हैं, कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट मतलब, ओके, यू नो दैट डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, तो स्पेसिफिक इसमें वो कट होंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ कॉपीज हमको मिलेंगे। और इसको भी कट करने के बाद यहाँ पर भी हमने आर ई डाला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वी हैव टू एडेड हियर, देन ये प्लाज्मिड भी कट हो गया है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे, प्लाज्मिड कट हो गया, ठीक है। देखो वेरी सिंपल, हमने ऐसा डोनर सेल लिया वहाँ पर जो इंसुलिन बनाता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अगर इंसुलिन डाल दिए तो इंसुलिन के वजह से उसका उनका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, तो ऐसा इंसुलिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा डिजायर्ड जीन सबसे पहले हमने चॉइस किया जो इंसुलिन को नोटेट करता है, इंसुलिन को टारगेट करता है, तो वैसा ही हमने जीन लिया और उसके स्पेसिफिक कट किए। स्पेसिफिक कट करने के बाद हमने प्लाज्मिड को भी कट किया है बाय एडिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा बेटा, देखो अभी होता है क्या है, आउट ऑफ नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओके, वी हैव टू चूज द स्पेसिफिक एंड डिजायर्ड मॉलिक्यूल,
मतलब जो अच्छा मॉलिक्यूल है, डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, उसको हमको कट करना है, उसको हमको सेपरेट करना है, और सेपरेट करके इस प्लाज्मिड में क्या करना है, जॉइन करना है। प्लाज्मिड में हमको ये जॉइन करना है। देखो तो क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूल को हम इस प्लाज्मिड में जॉइन करते हैं। दिस इज द प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में हम ये जॉइन किए बेटा, ठीक है, जॉइन हो गया। तो ये हो गया डीएनए या फिर एक स्मॉल मॉलिक्यूल, और ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसको कंबाइन करने के लिए वी हैव टू यूज द एंजाइम डीएनए लाइगेज।